शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सरकार की ओर से लॉकडाउन किया गया। 2.5 माह बाद कई क्षेत्र खुल गए हैं, लेकिन ऑर्केस्ट्रा के कलाकारों को कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी गई है, जिसे शहर के हजारों कलाकारों पर भूखे रहने की नौबत आ पड़ी है। जिला प्रशासन न्याय दे, ऐसी मांग कलाकारों ने की है। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस जिसने अब तक के पूरे देश को अपने चपेट में ले लिया है। इतना नहीं तो भारत वर्ष के कई राज्यों के साथ शहरों में भी अपना आतंक इस कदर बढ़ाया है कि अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना वायरस के संक्रमण दिन ब दिन बढ़ने से शहर में चिंताएं व्याप्त है। हम आपको बता दें कि शहर के कई अस्पतालों में अब भी मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही नजर आ रही है, तो वहीं कुछ कोरोना मरीजों की जांच होने के बाद वे भी अपने घर जाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है और कुछ मरीज निगेटिव भी आते हुए नजर आ रहे हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकार ने पिछले 2.5 महीनों से लॉकडाउन जारी किया था। लॉकडाउन जारी करने का मतलब ये था कि लोग अपने घरों में रहे और पूरा व्यापार पूरा कामकाज बंद था, जिससे कोरोना का संक्रमण नहीं बढ़ा। हर जगह सन्नाटा सा छाया हुआ था और सभी कामकाज पिछले 2.5 महीनों से बंद थे, लेकिन जब से केंद्र और राज्य सरकार ने नागरिकों को कोरोना वायरस को लेकर जो शिथिलता प्रदान की है, लॉकडाउन के चलते जो शिथिलता दी गई है, जिससे कई कामकाज फिर से नए सिरे से शुरू होने जा रहे हैं। जी हाँ, अब तक के शादियों को पूरी तरह से परमिशन नहीं मिली थी, शादी भी अब होने लगी है। जो सभागृह होते हैं उन्हें भी परमिशन दी गई है। इतना ही नहीं तो जिस शादी के लिए बैंड वाले होते हैं उन्हें भी इजाजत परमिशन दी गई है। मगर अफसोस कि अब तक ऑर्केस्ट्रा के कलाकारों को जिलाधीश की ओर से ऐसी कोई भी परमिशन नहीं दी गई है, जिसके चलते ऑर्केस्ट्रा जगत के तमाम हजारों की तादाद में जो कलाकार है शहर के, वे उनके ऊपर में भूखे मरने की नौबत आ पड़ी है। ऐसे में जिला प्रशासन ध्यान दे और जल्द से जल्द उनको भी ऑर्केस्ट्रा शुरू करने की इजाजत दे, इस तरह की मांग शहर के कलाकारों ने इन विषय के समक्ष की है। आइए डालते हैं एक नजर उनकी जुबानी। लॉकडाउन के चलते हर किसी पे भूखे मरने की नौबत आ पड़ी है और कई ऐसे कामकाज है जो लोगों ने आज भी शुरू नहीं किए। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं उन कलाकारों की जिन्होंने पूरा जीवन अपना इस संगीत के कला में अर्पण किया है, मगर अफसोस कि लॉकडाउन के चलते उनके कामकाज बंद है, उनके परिवार के ऊपर में भूखे मरने की नौबत आ पड़ी है। इस समय में हम मौजूद है बड़का चौक पर, जहाँ पे ये तमाम कलाकार हमारे साथ है। आइए उनसे जानते हैं, उन्हीं की जुबानी आखिर क्या है उन्हें ये परेशानी। सर आप बताए क्या परेशानी है आपका, क्या ऑर्केस्ट्रा के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे जो भी व्यापारी है, जितने भी महाराष्ट्र के, उनके धंधे चालू हो चुके हैं और कलाकार जो है आज भी भूखे मर रहे हैं। और केवल लॉकडाउन ही नहीं, बल्कि अभी साल भर ऐसा सुनने में आ रहा है कि काम नहीं है, तो हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि कलाकार केवल इसी के भरोसे हैं। और जिस तरह से हर धंधे की जैसे शुरुआत हुई है, थोड़ी थोड़ी हर आदमी अपना अपना व्यवसाय कर रहा है, लेकिन कलाकारों का अभी तक कोई व्यवसाय शुरू नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं कि हमें भी कम से कम 10 लोगों की परमिशन दी जाए। और आपको बताता हूँ कि वैसे भी कलाकार जो होते हैं 10, वो सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से ही काम करते हैं, क्योंकि स्टेज काफ़ी दूर होता है लॉन में और हम लोग पब्लिक से काफ़ी दूर रहते हैं। स्टेज पर भी हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए हम सरकारी आदेशों का पालन करेंगे। तो हम सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं, हमारे कलेक्टर साहब से, कि हमें वो 10 लोगों की परमिशन दे, उनसे यही अनुरोध है। हाँ, मैं चाहता हूँ आज 3 महीने से जो लॉकडाउन हो रहा है तो उसके वजह से काफ़ी परेशानी हम लोगों को झेलनी पड़ रही है। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये शुरू हो जाए और हमें काम मिले, ताकि हमारा घर बार इससे चल सके। सरकार ने ऑलरेडी कहा है कि आत्मनिर्भर बनो, लेकिन कलाकार शुरू से ही आत्मनिर्भर है और आत्मनिर्भर हमेशा रहता है। और जहाँ तक मतलब सवाल ये है कि हमारे सभी के काम अभी शुरू हो रहे हैं, लेकिन हमारे काम अभी तक शुरू हुए नहीं है और हमारी आजीविका सारी चीज़ें हमारी रुकी हुई है। हम सारे कलाकार परेशानी में है। जहीर भाई आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, जब से लॉकडाउन चालू हुआ, अभी 3 महीने हो गए,
हमने नागपुर आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से जितना हो सकता था, नागपुर के जितने गरीब कलाकार हैं उनको हमने राशन वगैरह की व्यवस्था करवा दी थी, लेकिन सिर्फ राशन से तो होगा नहीं, फाइनेंस तो लगेगा ही थोड़ा बहुत। तो हमारी ये ख्वाहिश है कि गवर्नमेंट हमको कुछ तो भी थोड़ा सा वित्तीय मदद करे, या हमको प्रोग्राम चालू करने की इजाज़त दे, हॉल चालू करे ताकि प्रोग्राम कर सके, या हमारे जो गरीब कलाकार है उनके खातों में कुछ तो थोड़ा बहुत पैसा गवर्नमेंट डाले ताकि अपनी जीविका चालू कर सके। भाई मेरा सवाल ये है सरकार से कि हम लोग कैटेगरी में नहीं बैठते, ये हम सुनने में आता है, बड़ा गलत लगता है। जो कैटेगरी में बैठते हैं वो सिर्फ साल में एक हरे और कोई फेस्टिवल में काम आता है, जैसे कोई जैसे लावनी हो गया, पोहड़ा हो गया, ये सब ये जो फेस्टिवल, ये जो जो कलाकार कैटेगरी में बैठते हैं उनको आप साल में एक हरे बार काम करते देते हैं उनको। और हम लोग जो ऑर्केस्ट्रा के कलाकार हैं, सुगम संगीत के कलाकार हैं, हम अपनी जीविका जो है इसी के माध्यम से चलाते हैं और 12 महीने यही काम करते हैं। चाहे आपके घर में बर्थडे हो या शादी हो या फिर अन्य फंक्शन हो, तो हम ही लोग काम आते हैं। और हम लोग अभी काम धंधे नहीं है हमारे पास में, सब ऐसे ठप बैठे हुए हैं, पैसों की सब सख्त ज़रूरत है लेकिन काम नहीं है। हमारा सरकार से यही दरख्वास्त है कि जैसे बाकी लोगों को आपने परमिशन दिया, ठीक ऐसे हम लोगों को भी परमिशन मिलनी चाहिए और हमारे काम जो है वो आना चाहिए, आगे आना चाहिए हम लोग सभी कलाकार प्लीज। क्योंकि शादी के लिए तो लोग परमिशन दी जा चुकी है, बहन वालों को भी परमिशन दी जा चुकी है, जहाँ खाना बनाने की बात है उन्हें भी परमिशन दी जा चुकी है, इतने नहीं तो जो सभागृह है लॉन है उन्हें भी परमिशन दी जा चुकी है, लेकिन परमिशन जो नहीं दी गई है वो ऑर्केस्ट्रा जगत को। तो ऑर्केस्ट्रा जगत को यदि ये परमिशन मिल जाती है जिसके चलते ये तमाम जो कलाकार है इन्हें फिर से इनकी रोजी रोटी शुरू हो जाएगी और दर्शकों का मनोरंजन के लिए हमेशा मनोरंजन का काम करते हैं, संगीत की इबादत करते हैं, ऐसे लोगों के लिए जैसे जैसे संगीत कामकाज के लिए जिलाधीश इनको परवानगी दे, पुलिस कमिश्नर इनको पूरी तरह से परमिशन दे और इनके कामकाज फिर से शुरू हो, यही इन लोगों की मांग है। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, इन बी सी एन न्यूज़ नागपुर।